आधार प्रचार ने तय किए मुद्दे। स्टार प्रचारकों ने सेट किया स्कीम बनाम स्कैम। स्कीम बनाम स्कैम पर लड़ा जा रहा है चुनाव। बीजेपी ने सेट किया सस्ता होने वाला फ्यूल। महिलाओं को एंटी रोमियो स्क्वाड का भरोसा दिया। इस बार चुनाव में बीजेपी ने चार मुद्दे सेट किए, महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, कुशासन, तुष्टिकरण। बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने पक्ष में माहौल बनाया। तो बीजेपी में मोदी ने 19 रैलियां की, साथ में रोड शो भी किया। अमित शाह ने 20 रैलियां की, रोड शो भी किया। जेपी नड्डा ने 18 रैलियां की, साथ में रोड शो किया। वसुंधरा राजे ने 9 रैलियां की, साथ में रोड शो भी किया। सीपी जोशी ने भी 7 रैलियों के साथ रोड शो किया। तो बीजेपी ने धुआंधार प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन्होंने ना केवल धुआंधार रैलियां की बल्कि कई रोड शो भी किए। मोदी, जैसा कि हमने आपको बताया, 19 रैलियों के साथ रोड शो किया। अमित शाह ने भी 20 रैलियां की, साथ में रोड शो भी किए। जेपी नड्डा की 18 रैलियां हुई, रोड शो भी हुआ। वसुंधरा राजे की 9 रैलियां हुई, रोड शो हुए। और सीपी जोशी ने 7 रैलियों को संबोधित किया, साथ में रोड शो भी किया। तो बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी जनता तक पहुंचने में, जनता से कनेक्ट करने के अंदर। और महेश धादीच हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। महेश, इस बार बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जनता से कनेक्ट करने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं। सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, जेपी नड्डा, अमित शाह, इन्होंने जो है वो लोगों तक पहुंचने के अंदर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। क्या स्थिति, क्या अपडेट महेश? बिल्कुल आसिफ, आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई ऐसे केंद्रीय मंत्री जिनका कि जमावड़ा यहां पर राजस्थान में बीते दिनों देखने को मिला है, दीपावली के बाद से ही बीजेपी ने अपनी पूरी जो ताकत है वो इस प्रचार में झोंक दी थी। प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते नजर आए, रोड शो, रैलियां, चुनावी सभाओं का दौर यहां पर देखने को मिला। और अथक रूप से यहां पर मुख्यमंत्रियों ने भी, अन्य राज्य के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी, मसलन उसमें अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी जो लोकप्रियता है वो यहां पर देखने को मिली, लोगों के बीच भी वो पहुंचे थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, वो यहां पर रोड शो रैलियों में दिखाई दिए। एकनाथ शिंदे पहुंचे महाराष्ट्र से, उनके साथ में देवेंद्र फडणवीस जो है वो यहां पर दिखाई दिए। साथ में अलग अलग प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते हुए साफ तौर पर देखे गए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी ने इस बार प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कुशासन को मुद्दा बनाया, तो साथ ही साथ में भ्रष्टाचार को। आपने कहा कि स्कीम और स्कैम का जो मुद्दा है वो बीजेपी ने यहां पर खड़ा किया, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ कांग्रेस जो है वो यहां पर अपनी स्कीम, अपनी गारंटियों को, अपनी घोषणाओं को गिनाते हुए दिखाई दे रही है, अपनी उपलब्धियों को बता रही है लोगों के बीच में, तो वही बीजेपी ने ये कहा कि इसके भीतर में सबसे बड़े घोटाले जो है वो यहां पर किए गए। और बीते दिनों खुलासे जो है वो अलग अलग जगहों पर बीजेपी की तरफ से किए गए। और ये भी कहा गया कि कांग्रेस ने जो है भले ही सचिवालय के कांड, ईडी के जो छापे रहे हैं उनमें यहां पर लोगों को ये गिनाने की कोशिश की गई कि कांग्रेस सरकार जो है वो कहीं कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये बात जगह जगह पर बोली गई अलग अलग नेताओं के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पीच रहा हो या फिर योगी आदित्यनाथ का हो, राजनाथ सिंह का हो, जेपी नड्डा ने भी अपनी बातों में इन बात को प्रमुख तौर पर रखा। महिला अपराध को बीते 6 महीने से बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा जो है वो यहां राजस्थान में खड़ा किया। करेंगे बात करने की, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं। जी महेश, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में, सुनते हैं सचिन पायलट का संबोधन इस समय, वो क्या कह रहे हैं। तो सचिन पायलट
कुछ कह रहे थे, आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू में इन दिनों लगातार वायु प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 220 पर पहुंच गया। बढ़े हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स के कारण आसमान में कोहरे और धुएं के मिश्रण से स्मॉग बना हुआ है। करीब एक पखवाड़े से बढ़े वायु प्रदूषण के कारण बुजुर्ग और अस्थमा रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते रोज झुंझुनू में एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 दर्ज किया गया था। वहीं सुबह 6 अंकों की बढ़ोतरी के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 दर्ज किया गया। झुंझुनू में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी लगातार इंडेक्स पर नजर बनाए हुए हैं और आवश्यक चेतावनी भी जारी कर रहे हैं। तो झुंझुनू में चूंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा स्मॉग रहता है इन दिनों के अंदर, और झुंझुनू जो है वो दिल्ली बॉर्डर के एकदम पास में हरियाणा बॉर्डर के ऊपर है, लिहाजा दिल्ली के जो सीमावर्ती जिले हैं, जो दिल्ली से सटे हुए जिले हैं, वहाँ पर भी इस समय स्मॉग देखा जा रहा है। इसी में एक झुंझुनू भी आता है। हालांकि बहुत ज़्यादा सुधार झुंझुनू की AQI में नहीं हुआ है, जिससे खास तौर पर जो अस्थमा के रोगी हैं, जो सांस के रोगी हैं, जिन्हें सांस की समस्या है, ऐसे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये स्मॉग अभी कुछ और समय तक यहाँ पर रहने वाला है। स्मॉग छंटने में अभी वक्त है, लेकिन पूरे प्रदेश की बात करें तो झुंझुनू जिला जो है इस समय सबसे ज़्यादा स्मॉग की आगोश में। महासंग्राम का सियासी रण तैयार हो गया है। अब इंतजार है 25 नवंबर का। कल सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने तैयारियों के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। चुनाव आयोग किन तैयारियों के साथ इलेक्शन कंडक्ट कराने जा रहा है, देखिए इस पर खास रिपोर्ट। महासंग्राम का रण तैयार, मतदान की सभी तैयारियां पूरी। 5 करोड़ से ज्यादा वोटर करेंगे मतदान। 199 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। आज से पोलिंग पार्टियां संभालेंगी मोर्चा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद अब शनिवार को वोटिंग होगी। प्रदेश की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 199 के लिए मतदान होगा। वोटिंग के लिए कुल 51,507 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 5,26,90,146 मतदाता 1,874 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 18 से 30 आयु वर्ग के 1,70,99,334 के युवा मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें 18 से 19 आयु वर्ग के 22,61,008 नए मतदाता शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक कुल 36,101 स्थानों पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 10,501 मतदान केंद्र शहर और 41,006 ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए हैं। कुल 26,393 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग करवाई जाएगी। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से इन मतदान केंद्रों पर निगरानी की जाएगी। प्रदेश भर में 65,277 बैलेट यूनिट, 62,372 कंट्रोल यूनिट और 67,580 VVPAT मशीनें रिजर्व सहित मतदान कार्य में इस्तेमाल की जाएंगी। प्रवीण गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए 6,287 माइक्रो ऑब्जर्वर और 6,247 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सभी सेक्टर अधिकारियों को एक एक अतिरिक्त EVM मशीन भी दी जाएगी, जो EVM संबंधी खराबी की सूचना होने पर कार्रवाई करेंगे। EVM संबंधी खराबी के त्वरित निराकरण के लिए हर विधानसभा में 2-2 बेल के इंजीनियर भी मौजूद रहेंगे। बेल इंजीनियर के पास भी एक एक अतिरिक्त EVM मशीन रहेंगी। प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 2,74,846 कर्मचारी मतदान संपन्न कराएंगे। 7,960 महिला मतदान कर्मी, महिला प्रबंधित मतदान केंद्रों और 796 दिव्यांग मतदान कार्मिक दिव्यांग प्रबंधित मतदान केंद्रों पर कमान संभालेंगे। सभी मतदान बूथों पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए कुल 1,02,290 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कुल 69,114 पुलिसकर्मी, 32,876 होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और आरएसी जवानों का बल तैनात किया गया है और सीएपीएफ की 700 कंपनियां तैनात की गई हैं। मतदान के लिए कुल 41,224 बड़े और छोटे वाहनों का अधिग्रहण किया गया है, जिससे मतदान दल, सुरक्षा कर्मी, ईवीएम मशीन और सेक्टर ऑफिसर के आने जाने में सुगमता रहे। पुलिस बल और मतदान दलों के लिए 17,617 वाहन, सेक्टर ऑफिसर के लिए 20,844 छोटे यात्री वाहन और ईवीएम मशीन को ले जाने के लिए 2,470 ट्रक, मिनी ट्रक अधिग्रहित किए गए हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। ये खबर अजमेर से, जहां जेएलएन अस्पताल में लगातार बद इंतजामियों का आलम देखने को मिल रहा है। अलग अलग स्थानों पर गंदगी के साथ ही अब सीवरेज का पानी लैब रूम में घुस चुका है। अस्पताल का स्टाफ गायब है। आलम यह है कि मरीजों के सैंपल भी नहीं लिए जा रहे। ऐसे में घंटों तक मरीजों के लैब रूम के बाहर लाइन लगाकर खड़े होना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक लैब रूम में सीवरेज का पानी जाने के कारण यहाँ कोई भी स्टाफ बैठने को तैयार नहीं है। इसके कारण मरीज और उनके परिजनों के सैंपल भी नहीं लिए जा रहे। यहाँ से एक घंटे से खड़ा हुआ सर लाइन में, यहाँ पर ब्लड सैंपल के लिए खड़ा हुआ, लेकिन अंदर कोई स्टाफ नहीं है। सुनने में आया जहाँ पर एक खून की जांच है तो वहाँ पर पानी भरे होने की वजह से उनको असुविधा हो रही है, जिसकी वजह से हमारे जांच नहीं हो पा रही और स्टाफ यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर करीबन 100 से 80 आदमी खड़े हुए और बहुत असुविधा दिक्कत हो रही है हमारे को जी। हम तो एक घंटे से खड़े हुए, पहले तो डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन में खड़े थे और अभी यहाँ पर आए थे, यहाँ कोई स्टाफ नहीं है और कोई हमारे जो समाधान करे। जिले में कल विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए निर्वाचन विभाग द्वारा 1,378 पोलिंग पार्टियों को कॉलेज ग्राउंड से रवाना किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि सभी प्रकार के इंतजाम पहले ही कर लिए गए हैं। कॉलेज ग्राउंड से सभी प्रकार की चुनावी सामग्री लेने के बाद इन पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। रास्ते में चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं, जहां पर पूरी चुनाव सामग्री की गणना की जाएगी। यदि कोई कमी है तो उसे समय रहते पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पांचों विधानसभा में कुल 144 अति संवेदनशील बूथ है, इन पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सभी पोलिंग पार्टियां आज अपने मतदान केंद्रों के लिए अपने वाहनों के साथ रवाना हो जाएगी। कुल 1,378 बूथ है। 1,378 बूथ के साथ ही उसमें 144 हमारे क्रिटिकल बूथ भी हैं, उनके लिए भी मतदान दल रवाना हो गए हैं। क्रिटिकल बूथों के ऊपर जो जाप्ता है वो एक्स्ट्रा होगा, वो 1-4 का आर्म्ड जाप्ता होगा जो सीधा मतदान केंद्रों पर पहुंचेगा। लगभग हमारे 650 के वाहन तो हमारे प्रशासन की तरफ से लगे हैं और करीब 350 वाहन पुलिस की तरफ से लगे हैं, तो लगभग 1,000 वाहन काम में आएंगे और सभी वाहन अपने गंतव्य पे आज ही पहुंच जाएंगे। जो मोबाइल पार्टियां हैं हमारे सेक्टर मिस्टेट के वाहन हैं, पुलिस के मोबाइल पार्टियां हैं सब। अलवर जिले के बानसूर के श्री श्याम मंदिर पर देव उठनी 11 के पावन पर्व पर बाबा खाटू श्याम जी का जन्म दिवस श्री श्याम भक्त के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा श्याम के भजनों का गुणगान किया गया। इस दौरान श्री श्याम बाबा का 11 किलो का केक काटकर और आतिशबाजी कर बाबा श्याम जी का जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान बाबा श्याम जी का प्रसाद वितरण किया गया। बड़ी संख्या में महिला पुरुष भक्त मौजूद रहे। गुरु भाई, पहले तो सभी श्याम प्रेमियों को बाबा के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और इस पावन एकादशी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने जो बाबा के श्याम जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाने का जो कार्यक्रम रखा था वो भव्य सुंदर, और आप भी यहाँ हैं तो आप अपनी आंखों से अपने कैमरे के माध्यम से लोगों को भी दिखा रहे हैं कि बाबा का जन्मदिन किसी कितनी धूमधाम से मना गया। खूब आतिशबाजी करी गई और 11.25 किलो का एक केक भी बना गया, जिसमें बाबा के 56 भोग की तरह बाबा को खूब आशीष हमें भी मिली और बाबा को भी मिली, और सभी श्याम प्रेमियों को यूं ही अनुग्रह करता रहे बाबा श्याम और सभी पर अपनी कृपाएं बनाए रखा। मतदान के पूर्व ग्रामीण इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से 5,27,000 की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने सुरेड़ा 4-लेन पुलिया के पास कार्रवाई कर दोनों के कब्जे से कार से ही नकदी जब्त की है। भाजपा नेता और कार्यकर्ता नकदी के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। आशंका जताई जा रही है कि नकदी चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए काम में लाई जा रही थी। फिलहाल सुखेत थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हमारे सभी थाने ने मिलकर अवैध शराब के खिलाफ, एनडीपीएस के खिलाफ या जो भी कैश
की जो संभावना थी, जो भी मतलब विधि के अनुरूप जो केस नहीं जा रहा था, उस सब की सीजर की भी कार्रवाई की है और कम से कम 20,000 लीटर शराब हम लोगों ने ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का टाइम है उसके दौरान हम लोगों ने पकड़ा है। अभी भी परसों को चुनाव है, कल हमारी पोलिंग पार्टियाँ रवाना होंगी, तो जो भी हमारे मतदान केंद्र हैं, जितने भी मतदान केंद्र हैं, उसमें पुलिस की एकदम माकूल व्यवस्था की जा रही है। कानून व्यवस्था के नज़रिए से जो भी इम्पोर्टेंट जगह हैं, जो भी महत्वपूर्ण जगह हैं, जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा विजिलेंट रहने की आवश्यकता है, वहाँ पे भी हमने प्रॉपर और अतिरिक्त फोर्स हमने लगाई है। और ये खबर जैसलमेर से, चुनाव से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की, 3 वाहनों को जब्त किया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शराब रोड पर फेंककर ड्राइवर फरार हो गया, मतदाताओं को रिझाने के लिए शराब ले जाई जा रही थी। तो ये जैसलमेर में अवैध शराब जब्त की गई है, आशंका जताई जा रही है कि ये शराब मतदाताओं को रिझाने के लिए ले जाई जा रही थी। चुनाव से पहले कार्रवाई हुई है और ना केवल शराब पकड़ी गई है, लाखों रुपए की शराब है, इसके साथ साथ 3 वाहन भी जब्त किए गए हैं और 3 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक ड्राइवर फरार हो चुका है शराब को रोड पर फेंक कर। तो चुनाव से पहले पूरी तरीके से प्रशासन सतर्क है। और सावलदान हमारे साथ जुड़ गए हैं जैसलमेर से, उनसे बात करते हैं। सावलदान, क्या अपडेट इस शराब की कार्रवाई को लेकर, क्या जानकारी मिल पाई कि शराब किस पार्टी के लोग कहां पर ले जा रहे थे बांटने के लिए? देखिए आसिफ, जैसलमेर में लगातार जो पुलिस एसपी है विकास वाघवान विधानसभा चुनाव को लेकर काफी अलर्ट और सख्त नजर आ रहे हैं। वो लगातार जैसलमेर जिले के सभी एसएचओज को निर्देश दिए कि जो संदिग्ध वाहन है उन पे नजर रखें, ऐसी जो शराब की जो है वो किसी को ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बांटा जाए, शहर में नहीं बांटा, उसको लेकर लगातार नाकाबंदी की जा रही है, जिसको लेकर कोंकण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, 3 गाड़ियों को जब्त किया है। और ये शराब कहाँ सप्लाई जा रही थी, कौन सी पार्टी की, इस बात की पुष्टि नहीं हुई। जो सीओ है कैलाश बिश्नोई है, एडिशनल एसपी गोपाल भाटी है, एसएचओ और इस मामले को लगातार जांच में जुटे हुए हैं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई शराब कौन सी पार्टी की कहाँ जा रही थी, लेकिन कोंकण पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। जी सावलदान, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल ये गिरफ्तारी की गई है, जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के तहत आज मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। अजमेर की 8 विधानसभा क्षेत्र के लिए करीब 2000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अजमेर की पॉलिटेक्निक कॉलेज से सभी को तीसरा और अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया जा रहा है। इस दौरान अजमेर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी व्यवस्थाओं को देखने के साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अजमेर से जिला निर्वाचन अधिकारी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर अब मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई है। कल यहां पर निष्पक्ष और निर्भीक रूप से चुनाव आयोजित कराए जाएं, इसे लेकर जिला कलेक्टर तमाम व्यवस्थाओं को देख रही है। कलेक्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह की मैडम व्यवस्था की गई है और क्या माकूल इंतजाम रहेंगे कल चुनाव को लेकर? आज यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पार्टी रवानगी की पूरी व्यवस्था की गई है। पार्टीज़ की 2 पारियों में रवानगी की जा रही है। तो जो दूरस्थ विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी प्रथम पारी में रवानगी की जाएगी और जो समीप वाले क्षेत्र हैं उनके द्वितीय पारी में। साथ ही जिन भी पोलिंग पार्टीज़ के अभी तक डाक मतपत्र का प्रयोग नहीं किया गया था उनके लिए यहाँ डाक मतपत्र के भी काउंटर्स लगाए गए हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि हर पोलिंग पार्टी का जो मेंबर है वो अपनी वोटिंग करे और ऐसा कोई भी व्यक्ति ना छूटे जिसका वोट नहीं हुआ हो। नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, जो इलेक्शन कमीशन का मोटो है वो हम यहाँ पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से सब रवानगियाँ हो रही है। यहाँ पर हमने जितने भी पोलिंग पार्टी के पर्सनल्स हैं उनको बिठा करके उनकी जगह पर हम जो भी हमारा इलेक्शन मटीरियल है, ईवीएम वीवीपैट हों, चाहे उनके जो बैग्स हैं वो हों, उनको उनके स्थान पर वितरण किया जा रहा है। तो ये बहुत एक नवाचार की तरह है। पहले जनरली जो हमने अब तक के चुनाव देखे हैं उसमें जो पोलिंग पार्टी है वो काउंटर्स पर जाकर अपना सामान रिसीव करती थी, बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि टेंट्स में उनकी खुद की सीट के बगल में जो टेबल है वहाँ जा करके
सभी कर्मचारियों द्वारा उनके कंसर्निंग मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो बहुत सुव्यवस्थित तरीके से सारा कार्य हो रहा है और हम सब प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शंस हम कल कंडक्ट करा पाएं। ये थे जिला कलेक्टर भारती, उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और व्यापक इंतजाम के साथ साथ मतदाता जो है मतदान केंद्र तक पहुँचे इसे लेकर भी महत्वपूर्ण इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान यहाँ पर हो सके। कैमरा पर्सन कुशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर। कोटा की 6 विधानसभा सीटों पर 14,58,997 मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देंगे, लेकिन इस सब के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका उन कार्मिकों की है जो मतदान प्रक्रिया को पूरा करवाएंगे। कोटा की 6 विधानसभा सीटों के लिए 1,439 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनके लिए पोलिंग पार्टी उमेद स्टेडियम से रवाना हो गई। 2 अलग अलग फेज में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को मतदान केंद्र की तरफ रवानगी दी जा रही है। इस पर कोटा से देखिए हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल की खास रिपोर्ट। आप अपने स्थान को ग्रहण कर लें, डाक मतपत्र का उपयोग आपको करना है तो आप प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, बाद में डाक स्टेडियम में आपका प्रशिक्षण सरकार की ओर से स्वागत करता हूँ। दृश्य व श्रव्य माध्यम से आपके स्थान आपके विरुद्ध कार्रवाई लंबित। कोटा में विधानसभा चुनाव में मतदान दलों को लाने और ले जाने वाले बस सहित अन्य वाहनों के संचालक और ड्राइवरों को खाने पीने के लिए भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवर्स और वाहन संचालकों को खाने पीने के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन विभाग ने कोटा में 650 से ज्यादा बसों अन्य वाहनों का अधिग्रहण किया है। अधिग्रहित की गई बसों सहित अन्य वाहनों को JDB कॉलेज के बाहर और स्टेडियम परिसर में पार्क करवाया गया है। 4 बजे से हमें बुलाया गया है, न तो रात को रोटी की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न चाय की, खाने पीने की, अभी तक यहीं बैठे हुए हैं। कौन लोग हैं और कहां से? ड्राइवर हैं, हम कोटा से आए हैं चुनाव में ड्यूटी लगा रखी है। कोटा में मतदान से पहले बड़ी कार्रवाई, मतदान के पहले कोटा में 650 से ज्यादा वाहनों का अधिग्रहण किया गया। अधिग्रहण की गई सभी बसें सहित अन्य वाहनों को JDB कॉलेज के बाहर और स्टेडियम परिसर में पार्क करवाया गया। JDP कॉलेज के आसपास के रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया और आमजन के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। वाहनों की व्यवस्था करीब करीब हमने कर ली है और RTO साहब से मेरी सुबह मॉर्निंग में बात भी हो गई है और किसी भी तरह कोई समस्या नहीं है। कोटा में भी निर्वाचन विभाग की ओर से वाहनों का अधिग्रहण कर लिया गया है और शहर के मुख्य चौराहे पर ये तमाम तरह के वाहन जो है खड़े कर दिए गए हैं। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं JDB कॉलेज के बाहर का नज़ारा है जहाँ तमाम तरह के वाहनों को यहाँ रखवाया गया है, पार्किंग की गई है। 600 से अधिक वाहनों को अधिग्रहित अब तक किया जा चुका है और वाहनों को अधिग्रहित करने के बाद तमाम तरह की जो तैयारियाँ हैं उनको भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाके में जो है विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन अलर्ट हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू।